दोस्तों आज इस वीडियो में हम समझेंगे डोजी केडल पैटर्न के बारे में। दोस्तों सबसे पहले तो आपकी है न्यूट्रल डोजी यानी कि इनडिसीजन डोजी। दोस्तों इस पैटर्न को इनडिसीजन डोजी पैटर्न कहा जाता है क्योंकि इस पैटर्न में ओपन और क्लोज दोनों सेम होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक प्लस जैसा साइन बना रही है, ऐसा इसीलिए क्योंकि इसका ओपन और क्लोज दोनों सेम होता है। दोस्तों आप मान लीजिए कि ये 100 रुपये पर ओपन हुई थी, उसके बाद इसने 120 रुपये का हाई बनाया और उसके बाद इसने 80 रुपये का लो बनाया और क्लोज के टाइम पर वो फिर से 100 रुपये पर क्लोज हो गई, इसीलिए ये प्लस जैसा साइन बना रही है और इसे एक इनडिसीजन डोजी कहते हैं। दोस्तों ये पैटर्न बनने के बाद आपको नहीं पता चलता कि अब आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा या अप ट्रेंड देखने को मिलेगा, पर एक अप ट्रेंड के बाद आपको अगर टॉप पर ये पैटर्न मिलती है तो उसके बाद आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है, और एक डाउन ट्रेंड के बाद अगर बॉटम पर आपको ये पैटर्न देखने को मिलती है तो एक अप ट्रेंड हो सकता है, पर इसकी ज्यादा कंफर्मेशन नहीं होती क्योंकि ये एक इनडिसीजन डोजी है। आपको टॉप और बॉटम इन दोनों चीजों को सही से ध्यान रखना है। और उसके बाद दोस्तों है ड्रैगन फ्लाई डोजी। दोस्तों ड्रैगन फ्लाई डोजी एक बुलिश साइन है जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसकी बहुत ही छोटी सी बॉडी है और बहुत ही बड़ा शेडो है। दोस्तों ये इस पैटर्न में थोड़ा सा ही फर्क होता है ओपन और क्लोज दोनों के बीच में। ये पैटर्न यहाँ से ओपन होती है, उसके बाद थोड़ा सा हाई बनाती है या फिर हाई बनता ही नहीं, और उसके बाद वो नीचे तक आती है, यहाँ पर उसका लो होता है। यहाँ से लो होने के बाद दोस्तों वो ऊपर की तरफ जाती है और उसके ओपन के पास ही वो क्लोज दे देती है, इसीलिए दोस्तों ये इतना बड़ा लो बनाने के बाद वो फिर से रिवर्स होती है, ऊपर की तरफ क्लोज होती है, इसीलिए उसे एक बुलिश साइन माना जाता है। उसके बाद दोस्तों है ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी का मतलब दोस्तों आपको पता होगा, जैसे कि जो कब्र होती है उसके ऊपर जो पत्थर होता है वो कुछ इस तरह से दिखता है, इसीलिए इस पैटर्न का नाम ग्रेवस्टोन डोजी रखा गया है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भी एक बहुत बड़ा शेडो है और बॉडी बहुत ही छोटी है जो कि नीचे की तरफ है, जैसे आप एक इन्वर्टेड हैमर की तरह देख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें भी ऐसा ही होता है, इसके ओपन और क्लोज दोनों में थोड़ा सा ही फर्क होता है और ये एक बेयरिश साइन है। और उसके बाद है दोस्तों लॉन्ग लेग डोजी। दोस्तों लॉन्ग लेग डोजी वैसे तो आपको इंडिसेशन डोजी जैसे ही दिखाई दे रही है, पर इसका शेडो बड़ा होने के कारण ये एक आपको बुलिश साइन है, पर ये ज्यादातर इंडिसेशन मानी जाती है, पर ये यहाँ पर आपको पैटर्न में बुलिश साइन भी दे सकती है। एक डाउन ट्रेंड के बाद अगर आपको बॉटम पर आपको ऐसी लॉन्ग लेग डोजी देखने को मिल जाती है तो उसके बाद ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है और आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमने समझ ली, अब इन चारों को वन बाय वन हम चार्ट में देख लेते हैं कि ये पैटर्न चार्ट में कैसे दिखती है। दोस्तों ये है न्यूट्रल डोजी जो कि एक इनडिसीजन साइन होता है जैसा कि हमने समझा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले चार्ट में एक डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम पर ये डोजी पैटर्न बन जाती है, उसके बाद आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। दोस्तों जो ट्रिपल कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न होती है जैसे कि मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार जिनको हम आगे समझने वाले हैं, दोस्तों उनमें भी ये डोजी पैटर्न आपको देखने को मिल सकती है जिसे स्टार डोजी कहा जाता है। और दोस्तों नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि एक अप ट्रेंड के बाद आपको डोजी पैटर्न देखने को मिलती है, उसके बाद एक डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है, इसीलिए ये एक इंडिसीजन पैटर्न है। अगर आपको टॉप पर बनती दिखती है तो उसके बाद आपको डाउन ट्रेंड दिखेगा और बॉटम पर दिखती है तो उसके बाद आपको अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी के बारे में। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक अप ट्रेंड के बाद आपको बॉटम पर ड्रैगन फ्लाई डोजी बनती दिख रही है और ये एक रेड पैटर्न में बन रही है। दोस्तों जरूरी नहीं है कि वो ड्रैगन फ्लाई डोजी आपकी ग्रीन पैटर्न में ही बने, आपकी ग्रीन कलर में ही भी बने, वो रेड में भी बन सकती है। हमने पहले भी बात की थी कि पैटर्न में आपका कलर मैटर नहीं करता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ड्रैगन फ्लाई डोजी रेड में बन रही है फिर भी आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, और इसी चार्ट में एक अप ट्रेंड होने के बाद आपको टॉप पर कौन सी पैटर्न मिल रही है, आपको मिल रही है ग्रेवस्टोन डोजी जो कि रेड में है। दोस्तों ये ब्लैक कलर में भी हो सकती है क्योंकि काफी बार इनका ओपन और क्लोज दोनों सेम होते हैं, पर अगर आपको ये ग्रीन और रेड में मिलती है मतलब कि इसके ओपन और इसके क्लोज में थोड़ा बहुत ही फर्क है, थोड़ा बहुत से मतलब कि दोस्तों समझ लीजिए कि इसका ओपन है 99 पर तो इसका क्लोज होगा 100 या 101 पर, उतना ही फर्क होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रेवस्टोन डोजी के बाद आपको एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों चार्ट में देख लेते हैं हम लॉन्ग लेज डोजी को, कि इस चार्ट में एक अप ट्रेंड के बाद आपको बॉटम पर लॉन्ग लेग डोजी देखने को मिल सकती है जो कि यहाँ पर है।
लोंगलेंथ डोजी बनने के बाद आप एक अप ट्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों ये थी डोजी कैंडल पैटर्न। तो दोस्तों हमने सारे ही जो जरूरी डोजी कैंडल पैटर्न थी जो आपको आपके ट्रेड में देखने को मिल सकती है उन्हें कवर कर लिया है। दोस्तों आप ये कैंडलस्टिक पैटर्न सीख रहे हो तो उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी है। आपको अपने ट्रेड में इन सारे पैटर्न को देखना है, उसके बाद आपको कन्फर्मेशन देखना है। आप भले ही डायरेक्ट ट्रेड ना करो, अभी तो आपको ट्रेड नहीं ही करना चाहिए, सबसे पहले तो आपको सीखना ही चाहिए। पर आप अपने एक्चुअल ट्रेड में इन सारे पैटर्न को फाइंड करें, उसके बाद आप कन्फर्मेशन निकालें और उसके बाद आप देखें कि जैसे कि आपने ये कैंडलस्टिक सीखी है, क्या ये कैंडलस्टिक उसी तरह से काम करती है। उससे आपको सीखने को भी मिलेगा, आपको समझ में भी आएगा और अगर आपके ट्रेड सही से जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। आई होप दोस्तों कि आपको डोजी कैंडल पैटर्न स्टिक सही से समझ में आ गई हो।